फरमाया कि चंद लोगों से दोस्ती न करना, एक बेवकूफ से और दूसरा झूठे से। झूठ से तो इंसान को इतनी नफरत हो कि बस ना कहे ना सुने। और एक बात बताऊं, झूठ जितना भी तेज भागे फिर आखिर सच उसे जाके पकड़ लेता है। झूठ जितना भी तेज भागे बिल आखिर सच उसे जाकर पकड़। चुनाचे मशहूर वाक्य, कांदला में एक जमीन का टुकड़ा था जिस पे एक मुसलमान और एक हिंदू के दरमियान तनाजा हो गया। मुसलमान कहता था ये मेरा है, हिंदू कहता था नहीं ये मेरा है। और बस्ती में हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, मिलजुल के रहते थे। अब जब जरा थोड़ा तनाजा ज्यादा बढ़ा तो मुसलमान जो था ना उसने स्मार्टनेस दिखाई, कई होते हैं ना जरूरत से ज्यादा चलाक, तो वो स्मार्ट बना और उसने कहा जी कि हां ये मेरी जमीन है और मैं इस जमीन को लूंगा और इस पर मस्जिद बनाकर दिखाऊंगा। जब इसने ये कहा तो हिंदू ने कहा कि नहीं ये तो मेरी जमीन है और मैं इस पर मंदिर बना के दिखाऊंगा। लो बात थी दोनों की पर्सनल और अब बात बन गई दोनों की दीनी। अब हिंदू एक तरफ हो गए मुसलमान एक तरफ हो गए, झगड़ा बन गया, मुकदमा। अंग्रेज जज था वो भी परेशान कि ये इतना हिसास मसला है कि जरा सा कोई मसला बिगड़ा तो ये तो इंसानों की जानें जाया जाएंगी। तो वो भी चाहता था कि कहीं कोई सुलह सफाई का रास्ता निकल आए। चुनाचे जब पहली दफा अदालत में दोनों पेश हुए तो उसने कहा भी कोई तरीका है कि आपस में सुलह सफाई से मामला। हिंदुओं ने कहा एक तरीका है, हम आपको एक मुसलमान का नाम बताएंगे, आप उनसे पूछ लेना, वो कहे मुसलमानों की तो उनको दे देना, वो कहे हिंदुओं की तो उनको दे देना। लो जी इस पे अंग्रेज ने बात तय कर अगली डेट दे दी। अब मुसलमान तो बड़े खुश कमरे से बाहर निकले कि भाई जो भी है तो मुसलमान, वो तो मस्जिद बनाने की बात करेगा। और हिंदू बाद में जब बाहर वालों से मिले तो उनको अपनी गलती का उस वक्त एहसास हुआ कि हमने तो एक मुसलमान का नाम दे दिया तो वो हमारी तो फेवर नहीं करेगा। तो बाहर वालों ने उसे कहा कि तुमने तो जीती बाजी हार दी, तुमने ये क्या किया मुसलमान का नाम ले लिया। उनका नहीं वो बंदा अच्छा है सच बताएगा। खैर मुसलमानों ने तो जी अपने जहन में तैयारी भी कर ली कि जी मुसलमान है उसने मुसलमानों का नाम लेना है और मैं ईंटें दूंगा मैं सरिया दूंगा मैं ये करूंगा हम बस बना देंगे मस्जिद। अगली दफा जब अदालत में पेश हुए तो मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे, उस सिलसिले में से थे। उनको भी अंग्रेज ने बुला लिया था। उसने पूछा कि मुफ्ती साहब ये जमीन किसकी है। उन्होंने कहा कि ये मुसलमान ये तो हिंदुओं की है। उसने कहा हिंदुओं की है तो क्या हिंदू इसके ऊपर मंदिर बना सकते हैं। उन्होंने कहा जब जमीन हिंदू की तो वो घर बनाए या मंदिर बनाए ये उसका इख्तियार है। अब इस गवाही को सुनकर अंग्रेज ने फैसला लिखा। फैसले में कहा कि आज के इस मुकदमे में मुसलमान तो हार गए मगर इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। जब उसने ये फैसला पढ़ के सुनाया तो हिंदुओं ने भी सुना, वो कहने लगे कि जज साहब आपने तो अपना फैसला सुना दिया हमारा भी फैसला सुन ले। उसने कहा आप लोगों का क्या फैसला। कि हमारा फैसला ये है कि जब इस्लाम जीत गया तो हम भी कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और इस जगह मस्जिद बनाने का हम ऐलान करते हैं।
तो जाहिर नजर आता है कि सच बोलने से काम खराब हो जाएगा, मगर कभी ऐसा नहीं हो सकता। सच बोलने से हमेशा इंसान को कामयाबी।